अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं ओशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अरे तुम तो सारे शहर की दुल्हन बनने वाली हो, किसी एक की बन भी जाओगी तो कितने दिन बनी रहोगी? हर रोज दरवाजे के बाहर एक नई बारात खड़ी होगी, और सबसे पहले मेरी बारात आएगी। उस रात वो तुम्हें मुझ जैसे मनुष्य की परछाई से बचाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर का शैतान विजय के उसूलों और आदर्शों से ज्यादा ताकतवर निकला। दोस्तों, आज जिस एक्टर की बात मैं करने वाला हूं, उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था 80 के दौर में, यानी 80s के दौर में। वो बहुत हैंडसम थे और बहुत टैलेंटेड भी, लेकिन गोविंदा, अनिल कपूर, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े हीरोज के सामने वो टिक नहीं पाए, और वो हैं वेरी स्मार्ट और हैंडसम सुमित सहगल। मुझे मालूम नहीं था कि आप दिल के मरीज हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि इतने दौलतमंद होकर आप इस झोपड़े में क्यों रहते हैं और अपना पैसा बैंक में क्यों नहीं रखते। हमसे अपने रूठन जाए, हमसे अपने रूठन जाए, इसलिए चुप रहते हैं। 18 फेब 1966 में पैदा हुए थे सुमित मुंबई में एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने सिनेमाटोग्राफर थे और उनका नाम था कृष्ण सहगल। सुमित ने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की मुंबई में। क्योंकि उनके पिता एक सिनेमाटोग्राफर थे, इसलिए बचपन में ही उनके घर में एक फिल्मी माहौल हुआ करता था, और सुमित जब छोटे से थे तो अक्सर अपने पिता के साथ शूटिंग पे जाया करते थे। तब से उन्होंने मन बना लिया था कि बड़े होके वो एक हीरो बनेंगे, और हुआ भी यही। सुमित के पिता की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी जान पहचान होने की वजह से सुमित को अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई, और उस फिल्म का नाम था इंसानियत के दुश्मन। इस फिल्म में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर भी थे, और सुमित ने धर्मेंद्र के छोटे भाई का रोल प्ले किया था, और सुमित के ऑपोजिट हीरोइन थी अनीता राज। नहीं भैया, वैसे ही कुछ कमाता वमाता तो हो नहीं, ऊपर से ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे भैया, कमाता तो हो नहीं। अरे कौन कहता तुझे कमाने के लिए? तेरी उम्र कमाने की है, तेरी उम्र तो खेलने की है, रोमांस करने की, धमाल करने की। ये ले भैया, है मेरी जेब में पैसे, और मैं चलता हूँ। चाहे मेरी जिंद ले ले, बस थोड़ा प्यार दे दे दे, चाहे मेरी जिंद ले ले। ये फिल्म कामयाब रही, लेकिन बड़े बड़े एक्टर्स के बीच सुमित सहगल नोटिस ही नहीं हुआ। इस फिल्म के बाद सुमित ने छोटी छोटी फिल्मों में लीड रोल्स किए, और ज्यादातर फिल्मों में सेकंड लीड और सपोर्टिंग रोल्स किए। उन्हें बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल्स मिले ही नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उन्हें फ्लॉप हीरोज की लिस्ट में शामिल करने लगे। सुमित अपने आप को ये तसल्ली देते रहे, हीरो का रोल नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, कम से कम बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा है। और वो फिल्में थी परम धर्म, सौतन की बेटी, गुना और दोस्त गरीबों का। आज का अखबार पढ़ा आपने? कल रात बैंसन इलाके में किसी लड़की की इज्जत बचाते हुए एक अनजान आदमी ने दो बदमाशों का खून कर दिया। ताजुब की बात तो ये है सर कि उस लड़की ने उस अनजान आदमी के बारे में पुलिस को बताने से साफ इनकार कर दिया। सुमित फिल्मों में काम करते रहे इस उम्मीद पे कि कभी ना कभी किसी ना किसी बड़ी फिल्म में उन्हें एक लीड रोल मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुमित ने अपने करियर में लगभग 30 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना पूरी नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई। उनकी आखिरी फिल्म थी सौदा, जो आई थी 1995 में, और उनके को स्टार थे विकास भल्ला। जी हाँ दीपक बाबू, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, और आज इत्तेफाक से मैं कई बाजी हार चुका हूँ।
अगर ज्योति जी मेरे लिए खेलें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी हार जीत में बदल जाएगी। सौदा के बाद सुमित सहगल फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए और 15 साल के बाद उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म का नाम था रोक, जो आई थी 2010 में। वो एक हॉरर फिल्म थी और उसमें दो हीरोइंस थी, उदिता गोस्वामी और तनुश्री दत्ता। ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को कुछ नहीं पता। सुमित जब 15 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कितना मिस किया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी ना किसी तरह वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे। उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, उसका नाम है सुमित आर्ट्स। और कहते हैं ना दोस्तों, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला 100 दरवाजे खोल देता है। सुमित के प्रोडक्शन हाउस में यानी सुमित आर्ट्स में साउथ की फिल्में हिंदी में डब होती हैं और वो फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। सुमित फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सेकेंड इनिंग से बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, कुछ लोग सुख में भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग दुख में भी खुश रहते हैं। अपना अपना नजरिया है दोस्तों। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुनिए। जिंदगी को समझो तो खुशियां, नहीं तो गम का दरिया है। जिंदगी को समझो तो खुशियां, नहीं तो गम का दरिया है। सुख और दुख कुछ भी नहीं, अपना अपना नजरिया है। सुमित की पर्सनल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए। दोस्तों हम आपको बताएं कि सुमित ने दो शादियां की। 1990 में उन्होंने पहली शादी की शाहीन से, और दोस्तों शाहीन अपने वक्त की मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानू जी की नीस हैं। शाहीन भी हीरोइन रह चुकी हैं और कई फिल्मों में काम किया है। 1997 में सुमित और शाहीन की एक बेटी हुई और माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा साइशा। लेकिन अफसोस, साइशा के जन्म के कुछ सालों बाद शाहीन को एक बहुत बड़ा धचका लगा जब उन्हें पता चला कि सुमित का एक बड़ी हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है। शाहीन बहुत परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो सुमित से अलग हो जाएंगी। चुनांचे 2003 में सुमित और शाहीन का डिवोर्स हो गया। दोस्तों हम आपको बताएं कि वो हीरोइन थी फरानाज, यानी तब्बू की बड़ी बहन। 2003 में सुमित ने शाहीन से डिवोर्स ले लिया और उसी साल 2003 में सुमित ने और फारा ने शादी कर ली। ये फारा की भी दूसरी शादी थी। उनके पहले हस्बैंड थे मशहूर एक्टर और रेसलर दारा सिंह जी के बेटे विंदु दारा सिंह। फरा और विंदु का एक बेटा भी है और उसका नाम है फतेह, और बहुत जल्द आप फतेह को फिल्मों में देखने वाले हैं। आज सुमित और शाहीन की बेटी साइशा और विंदु और फरा के बेटे यानी फतेह बड़े हो गए हैं। दोस्तों आपने साइशा को भी फिल्मों में देखा है। साइशा की अब शादी हो गई है, उनके हस्बैंड का नाम है आर्या और आर्या साउथ के सुपरस्टार हैं। साइशा और आर्या की एक बेटी भी है और उसका नाम है आर्याना। सुमित नाना बन गए हैं और बहुत खुश हैं। वो आजकल मुंबई में रहते हैं फरा के साथ और फरा उनके बिजनेस में उनकी मदद करती हैं। सुमित कहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल हीरो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है क्योंकि वो मेरा पास था, लेकिन मैं अपने प्रेजेंट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। प्रेजेंट वाकई मेरे लिए एक प्रेजेंट है, यानी एक खूबसूरत गिफ्ट। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।